फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू रेसिपी एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है और साथ ही साथ बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लीजिए इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसको बनाने के लिए मैंने ले रखा है प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और मटर। मटर को मैंने मिक्सी में हल्का सा पीस लिया है। प्याज को मैंने एक चॉपर की हेल्प से बारीक चॉप कर दिया है। आलू को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है। पत्ता गोभी और फूल गोभी को भी मैंने एक चॉपर की हेल्प से चॉप कर दिया है। उसके बाद इधर हमने ले रखा है एक कटोरी गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 से 3 हरी मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले आटा डालेंगे, बेसन डालेंगे। लहसुन और अदरक को हमने एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और बाकी सारी चीज़ें जो हमने कट करके रखी हैं उनको भी हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो आप इसमें पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसमें कैप्सिकम, कैरेट वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती भी डाल दी है। 1 छोटा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला डाला है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, उस तरह से हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे और उसके बाद हम इसके 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी थिकनेस को अच्छा सा रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम हथेली में एक हिस्सा लेके और इस तरह से हम इसको फ्लैट करते जाएंगे। अगर आपको इस तरह से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप एक थाली को लीजिए, उसे उल्टा करके उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के और इस तरह से रख के हाथ की हेल्प से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए बढ़ाते जाइए। और अगर इसके कॉर्नर थोड़ा निकल रहे हैं तो उसे हाथ से इस तरह से सेट करते जाइए। अगर आपको ज़रूरत हो तो इसमें थोड़ा सा आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, पानी के हाथ से आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने तवा गैस में रख लिया था, अच्छा सा गर्म हो गया था तो हमने उसमें ये रख दिया है। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, क्रिस्पी करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें घी लगाते जाएंगे। घी का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा घी लगा के हम इसे अच्छा सा क्रिस्पी करने तक पकाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनके रेडी हो गया है। अब आप चाहे तो इसे अपने मन चाहे पीसीज में कट कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कट करके आप इसे तीखी चटनी, सॉस, किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आपके बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा, साथ ही साथ बनाने में बहुत ही ईजी होता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपके परिवार वालों को भी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।